नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रविंदर सिंह और ये जॉगर पार्क है, और ये वाला पार्क जो है यहाँ पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं और कुछ पेड़ नए हमने लगाने शुरू किए हैं। तो इस पार्क को हमारी जो संस्था है नेचर टच, उसमें हमने अडॉप्ट किया है। एक ये वाला पार्क है, एक और पार्क है, वो भी आपको दिखाते हैं। पहले इस पार्क के बारे में बताते हैं कि हम अभी आज हमने क्या शुरू किया है। आइए, तो यहाँ पानी की सुविधा अवेलेबल है, और ये पाइप से सुबह सुबह हमने इन पेड़ों को पानी लगाया। और यहाँ पे कुछ पेड़ हम सरकारी जो नर्सरी है पंजाब सरकार की, जो जंगलात महकमे है, उससे कुछ पेड़ हमने यहाँ पे लाके आज स्टोर किए हैं। और ये बहुत सारे पेड़ हैं जो हमने आज स्टोर किए हैं। इसमें शहतूत भी है, बरकैन भी है, कुछ गुलाब भी हैं, और कुछ और भी पेड़ हैं, कनेर के भी हैं। तो ये हमने आज यहाँ पे फिलहाल स्टोर किए हैं। अभी हम इसको इस पार्क के अंदर हम इसको चार हिस्सों में बांट के इस तरफ इसको आज कल से लग जाएंगे। अभी ड्रिल मशीन वाले हमारे बंदे हैं और दूसरी पार्क में हैं, तो आपको वहां पे भी लेके चलते हैं। आइए, मेन रोड पे भी चलते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने ये ड्रिल मशीन से खड्डे मार रहे हैं। ड्रिल मशीन हमने नई ली है और इससे आसान रहता है। आसिक जी हमारे साथ हैं, तो ये इस काम में हमारे साथ सहयोगी हैं। तो अभी ये जो पेड़ हैं, ये फाइनली हम यहाँ पे आज जो मेन रोड है इस पे लगाने जा रहे हैं। और थोड़ी ही देर में इसमें हम दीमक की दवाई भी डालेंगे, और दीमक की दवाई के साथ साथ इस पे जो खाद आती है वो हम खाद भी लगाएंगे। तो ट्री गार्ड कहाँ पड़े हुए हैं? तो अभी ट्री गार्ड भी पड़े हैं यहाँ पे, ट्री गार्ड लगा के इसको कवर कर देंगे। तो ये जो पार्क है, जिसको हम फाउंटेन पार्क कहते हैं, जो मेन रोड के ऊपर बना हुआ है, तो इसके अंदर ये सारी की सारी जो बाउंड्री वॉल है जो टूटी हुई है, कोशिश कर रहे हैं इसको तारों के साथ जोड़ दें। और इस पे अभी बीच बीच में पेड़ों की जगह खाली थी, तो यहाँ पे भी खड्डा मारा है। यहाँ पे भी नया पेड़ लगाएंगे अभी अभी, और प्लस इसमें हेजिंग लगा देंगे, जो बाढ़ होती है जिसको कहते हैं, तो वो भी लगाएंगे। तो एक ये बार बड़े वाला दे, ये वाले पेड़ आज यहाँ पे लगा रहे हैं। इस पार्क को अडॉप्ट किया है हमारी संस्था जो है नेचर टच। आप भी अगर इस मुहिम में शामिल होना चाहते हैं तो आप हो सकते हैं। और क्योंकि एक इंसान को अपनी लाइफ में 25 पेड़ चाहिए ऑक्सीजन के लिए, और वो लगाता एक भी नहीं है। तो ये जो काम है ये हम सबका है, और सब सहयोग देंगे तो ही होगा। अब सरकार की तरफ से ये पेड़ मिलते हैं, लेकिन कोई लेने नहीं जाता। ये फ्री में पेड़ आया है, लगाने के ऊपर खर्चा आ रहा है, उस पे खर्चा आ रहा है, व्हीकल पे खर्चा आ रहा है, ये हम अपनी जेब से फिलहाल कर रहे हैं। बाकी जब तक भगवान देता रहेगा लगाते रहेंगे। लेकिन और भी जो लोग हैं वो भी इस मुहिम में हमें शामिल करें। शिवालिक सिटी के जो लोग हैं वो भी आ जाएं। और एक पेड़ को बचाने के लिए जो गार्ड लगेगा, अभी जैसे ये गार्ड लगा हुआ है इस तरीके से, अब नए जो गार्ड हमने बनाए हैं वो लेने जा गया अभी, तो वो गार्ड हम से इसको भी कवर कर देंगे। तो 750 रुपये का एक गार्ड आ रहा है, इंक्लूडिंग उसकी लेबर इंस्टॉलेशन लगा के। तो अगर हम अपने बच्चे के बर्थडे के ऊपर एक पेड़ का ट्री गार्ड आप डोनेट कर दें, तो हम इस पर आपकी फ़ोटो भी लगा देंगे। तो जो यहाँ पे पेड़ हमने लगाए हुए हैं, जिस पे फ़ोटोएं लगी हुई हैं, आइए आपको वो भी दिखाते हैं। तो जस्ट ये वाला जो पेड़ है, इसके जाली से हमने कवर कर दिया, ट्री गार्ड हमने खुद बनाया, जाली हमने बनाई। और ये जो डोनेट किया है अक्षय रोड़ा जी ने, दुर्गा ग्रॉसरी स्टोर बिल्कुल सामने है इनका, हम आगे दिखाते हैं, वो सामने इनका स्टोर है। और एक ये ट्री गार्ड इन्होंने हमें डोनेट किया है, और एक वो सामने जो लगा हुआ है श्याम लाल जी का, अब वो ट्री गार्ड इन्होंने हमें डोनेट किया, तो वो ट्री बच गया। अब ये पेड़ हमने लगाया था, लेकिन ये गाय ने खा के इसको खराब कर दिया, ये भी खराब हो गया। अब यहाँ पे जो मेहनत थी वो बेकार हो गई, लेकिन ये अभी बचा हुआ है, इसमें पत्ते हैं, इसको डेली बेसिस पे पानी भी पड़ रहा है और इसका ध्यान भी रखा जाता है। तो आइए, जो दूसरे अभी नए लगा रहे हैं आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये दीमक की दवाई है जो हमने इसमें डालनी है अभी, और इससे क्या रहेगा कि अभी यहाँ पे बहुत दीमक है, पेड़ खा जाती है, इसको पानी में डालकर, ये 30 लीटर पानी में डालकर इसको यूज़ करेंगे। तो साथ के साथ ये भी डालेंगे, और ये ट्री गार्ड इसका आ चुका है। अब इसके चार तीन होल हो चुके हैं, तीन होल में ये जो इसके पैर बने हैं वो फिक्स होंगे,
और उसमें सीमेंट और बजरी डाल दिया जाएगा। तो ये सारा काम करके इसकी जो कॉस्ट पड़ रही है वो 750 रुपये की पड़ रही है, इंक्लूडिंग ये सरिया जो हम बल्क में लेते हैं, फिर उसको कटवाते हैं, फिर मोल्ड करके इसको वेल्डिंग कराते हैं, और ये जाली भी बाहर से बाई चेज करके इसको कसते हैं। अब इसके ऊपर जिस किसी ने भी इसको अडॉप्ट करना है उसकी फ़ोटो आ जाएगी। तो हम तो यही इनवाइट कर रहे हैं सबको कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप खुद अपने बर्थडे पे गिफ्ट करना चाहते हैं तो कम से कम एक ट्री गार्ड गिफ्ट कर दें। ट्री तो हम फ्री में भी ले सकते हैं लेकिन गार्ड हमें कॉस्ट कर रहा है। तो अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे तो इस वातावरण को, इस समाज को हम और पेड़ दे सकेंगे, जो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सहयोग जरूर देंगे। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कॉल करके हमें डोनेट कर सकते हैं या ये खरीद के भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आप चाहते हैं कि जो पेड़ है वो आपके घर के पास लगे तो आप अपने घर का एड्रेस बता दें, वहाँ पे भी आके हम पेड़ लगा देंगे। हमारा जो ये स्टाफ है ये डेली बेसिस पे पानी भी डाल रहा है, जैसे आपने देखा कि हमारे पास अपना ऑटो रिक्शा है और उसमें पानी की कैंस भी हमारे पास पड़े हैं। तो हम ये कर रहे हैं, आप थोड़ा सहयोग कर दें ताकि हम इसको और अच्छे तरीके से कर सकें। धन्यवाद।